जवेरिया खान और उरूज मुमताज हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में। आइए वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू थैंक यू। आइए बैठिए 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 बैठिए। गुड टू हैव यू जवेरिया, गुड टू हैव यू उरूज। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल playing cricket. Well, of course. Javeria? Yes, sir. Thank you very much for playing cricket. Thank you, sir. At least we have some stars that we can say, yaar, ye hai hamari khawateen who actually can go out there and be our role model. And role model aap bani. Uruj and Mumtaz, aapse sawal karenge. Ye bataye mood kya tha jab aap क्रिकेट में इंटरऑन लगी थी और कहा भाई जी हट जाओ परे, हम आ गई हैं, छाछ हो जाएंगी। जवेरिया पहले आपसे। मेरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। बताइए। मैंने ना क्लासेस बंक करने के बहाने में गई हूँ, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। इकोनॉमिक्स की क्लास थी, वो टीचर बोरिंग थे, तो ट्रायल्स का आया पैगाम, मैं गई ट्रायल्स देने, फिर पता लगा मैं खेल। अच्छा, बंक करने के साथ कोई लिफ्ट देता था आपको कि वहाँ तक जाना? नहीं नहीं, वो एक उस टाइम पे जब स्कूल में एक वैन होती थी उसमें आप जाते थे, फिर मैं ट्रायल्स देने गई, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर खेलते खेलते जब इंटरेस्ट डिवेलप हो गया तो फिर शुरू कर दिया। तो बंक करने से आप ये सुन लें जवेरिया के वालदैन की बंक सारा पाकिस्तान सुन ले, बंक नहीं करना बल्कि कि आपने इजाज़त देनी है ख़वातीन को, आपने स्पेस देना है, स्पेस क्रिएट करनी है हमारी ख़वातीन के लिए, वो बंक ना करें। बट बंकिंग इज़ वेरी गुड थिंग। वैसे बाय द वे मैंने कभी बंक नहीं किया, करता मैं टैलेंटेड थी, मैं बंक करना अफोर्ड कर सकती थी। तुम टैलेंटेड थी, तुम बंक कर सकती थी। हाँ। मैं इससे नहीं कर सकता, मैं नालायक था, ये कहना चाह रही तुम? आपने खुद कह दिया, मैं क्या करूं। चला जी, एक नया एपिसोड शुरू हुआ। जवेरिया, आई लाइक दैट एटीट्यूड ऑफ योर्स। उरूज, उरूज का उरूज कैसे मिला? अम्मा बने दिया। कैसे? यार ये तो मुझे एक्चुअली नहीं पता, बट आई थिंक उनको नाम पसंद था, उसका एक मतलब ही इस तरह आपको मालूम है उरूज का मतलब है, तो और थोड़े बहुत शायद काम भी कर दिए ऐसे, तो आई थिंक सब कुछ मिला मिलू के सही हो गया। तो उरूज जब उरूज पे पहुंच गई तो फिर कैसा फील हुआ, कैसा लगा यार कि यार आप डन इट, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, जवेरिया भी पढ़ी लिखी हैं, वो कह रही मैं लाइक भी हूँ, मैं नालायक हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं। मैंने जो आपके साथ काम नहीं किया अभी तक, आप क्योंकि इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलती हैं, सो मेरी इंग्लिश इज द रियली बैड। तो आई रियली डोंट अग्री। यू रियली डोंट अग्री? आई रियली डोंट अग्री। व्हाई? बेहतरीन इंग्लिश बोल लेते हैं। रियली बोरोड है सारी, सबकी बोरोड है। Okay. मैं बोल बोल के बेहतर हो जाती है। अरे तुम तो कॉलेज वाले स्कूल यूनिवर्सिटी गई हो। वो थोड़ी सी पढ़ ली थी। हम तो यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते थे। इन्होंने बंक की थी, इन्होंने आप मतलब मुझे जरूरत नहीं थी इतनी पढ़ने की। सेल्फ प्रोक्लेम टैलेंटेड स्टार है ना ये, बॉर्न स्टार। बॉर्न। अच्छा मुझे बताइए कि बहन भाई कितने हैं आपके? मेरे तीन, आई एम दी ओल्डेस्ट, एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई है। और डैडी थी घर में आप? जी डैडी जी। इन्होंने भी कह रही है, सही कह रही है। क्या क्या करती थी आप भाई जवेरिया? हाँ इनसे चले डन। मैं कुत्तारों को बड़ा भुगता हूँ। जवेरिया क्या करती है? बॉसी। बॉसी मतलब इन टर्म्स ऑफ कैसे? करो तो करो, नहीं करो तो क्यों नहीं किया। अच्छा लेकिन ये तो जोक। I'm not gonna put up with the nonsense that you guys are putting up here. No dramas, no nothing. उस टाइम तो हमें इनकी इंग्लिश भी समझ नहीं आती थी, तो ये भी ज्यादा एडवांटेज था। तो आप पंजाबी नहीं जान सकते, ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं, सही ना? समझ इनको पूरी आती थी, करना नहीं होता था ना भाई। फील्डिंग कर लो। अच्छा मतलब फिटनेस का सेशन है, कर लो। नहीं आपके फिटनेस सेशंस होते क्या थे मुझे बताइए? इससे जब मैंने खेला, जवेरिया ने भी कुछ टाइम बाद डेब्यू किया था, हमारा अच्छा सेशन होता था, लाइक प्रॉपर फिटनेस, हमारे जो फिटनेस टेस्ट भी होते थे, सेशंस बाकायदा होते थे, फील्डिंग के सेशंस होते थे। वो अलग बात है कि हमने क्रिकेट नई नई शुरू की थी, स्किल वाला जो आपका कंपार्टमेंट था वो हमारा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ था, बट एज अ जनरल क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग के लड़कियों को किस चीज़ की ज़रूरत है वो काफ़ी अच्छी थी। ये ज़रूर है कि हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ कोचेज़ आए जिसकी वजह से एक अप एंड डाउन ग्राफ रहा प्रोग्रेस का, और आपने बड़ी मुल्कों से कम कम खेला, तो शुरू शुरू में थोड़े ऑब्स्टिकल्स होते थे बहुत दफ़ा। तो एक अंदर की कहानी, अब पता नहीं कितनी लोगों को बुरी लगेगी, लड़कियों को बुरी लग जाएगी, बट आई एम सॉरी, मतलब बहुत दफ़ा हम लोग अपने कपड़े भी शुरू में खुद धोते थे, काफ़ी टाइम। Really? काफ़ी टाइम। Really? तो उसमें अक्सर हम उसी को 2004 and 5, very early on, in the inception years, very inception years. Till the time I came, तब भी ऐसा था, till 2009, 10 तक तो था ही. नहीं, ज़्यादा हो गया. यार मैं भाई 2008 में. तुम्हारे कपड़े ज़्यादा होते हैं. 4 मुझे ख़ाब में थोड़ा. कपड़े ज़्यादा लाते हैं. नहीं, but उसमें ये होता था कि शुरू में हम मुरीदके में ठहरते थे तो वहाँ पर facilities थोड़ी कम होती थी बाहर था शहर से. आपको छुपा के खिलाना, टेंट लगा के खिलाना. And it was the need of the hour also. थोड़ा सा कि वो आप enclosed, secure environment में खेलें, which is absolutely fine. But ये होता था कि कपड़े जो के खुद धो रहे हैं तो अक्सर हम अपने फिटनेस ट्रेनर से बोलते हैं कि आज का सेशन होगा. हाँ हो गया. तो ये हमने बस ये सेशन हो गया हमारा मतलब लाइन से. It's all part of the fun. It's all part of growing up and maturing. But ऐसे भी सेशन हुए हमारे. और जो कैट फाइट्स होती हैं वो होती थी ज़्यादा आपके टाइम में. बिल्कुल भी नहीं. थोड़ा बहुत तो चलता ही है. ब्लैक पुलिंग होती रहती है.